इस किस्त के आगाज़ में उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं कि अब हम एक मुश्किल जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हमारा दुश्मन बढ़ेगा, ये हक और बातिल की जंग है। मेरे मजबूत दिलों वाले सिपाहियों, अब कफार के वतन में इसको ज़र्ब लगाने का वक्त आ गया है। वो हमारा मरजिक जो कफार के घर में है, अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो हमारे लिए फतुहात के काफ़ी दरवाजे खुल जाएंगे। चलो सिपाहियों, अब फतह का वक्त है। इसके बाद वो सब अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ मलून खातून एक तमूर से कह रही होती है कि क्या सूरत हाल है एक तमूर। एक तमूर कहता है, मैंने हर तरफ कासर भेज दी है, सिपाही तैयार हैं। औरान कहता है, मैं भी किले जैसार के सिपाहियों को यानी शहर ले आया हूँ, वो सब आपके हुक्म के मुंतजिर है वालदा। मलून कहती है, शहर के बाहर की क्या सूरत हाल है। एक तमूर कहता है कि हमारे सिपाही और दरवेश चुराओं के लिबास में मौजूद हैं और शहर के अतराफ गश्त कर रहे हैं। फिर वहाँ पर आयशा खतून आ जाती है। मलून खतून पूछती है, क्या मार्था की कोई खबर है। आयशा खतून कहती है, वो मेहनती है, रोज़ काम करती है। मलून खतून कहती है, देखते हैं कि वो मेहनती है या डसने का इंतज़ार करने वाली शाम। दूसरी तरफ अलूफ और उसके सिपाही एक तरफ मौजूद होते हैं। कांटा कोसोनोस कह रहा होता है, उस्मान के बगैर यानी शहर महफूज नहीं है। ओलूफ, मैं अपने दोस्त औरान से मिलने जाऊंगा, उसके नन्हे कंधों पर यानी शहर का बहुत बड़ा बोझ है। ओलूफ कहता है, तुम्हारी उनके साथ दोस्ती हमारा सबसे बड़ा हथियार है। कांटा कोसोनोस कहता है कि यह आखिरी बार की दोस्ती है, अब मैं उनका दुश्मन बनने वाला हूँ। अलूफ कहता है, ना सिर्फ औरान और मलून बल्कि यानी शहर में जितने भी लोग हैं मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। जंग के इख्तिताम पर मैं अपना इंतकाम ले लूँगा और आपको बाज़ंतीनी तख्त दे दूंगा। कांटा कोसोनोस कहता है, इंतकाम और ताज हम दोनों हासिल कर लेंगे, हम चारों अतराफ से तुर्कों पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब उसके साथी एक जगह घात लगा कर बैठे होते हैं और इसी दौरान वहाँ पर बहिंदर का काफिला गुजर रहा होता है। उस्मान का सिपाही कहता है, सरदार वो आ रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, बुरहान तैयार हो जाओ। जैसे ही बहिंदर का काफिला करीब आता है तो बुरहान तीर चला देता है। वो तीर देख के बहिंदर का काफिला वहाँ पर रुक जाता है और अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। बहिंदर कहता है, हुसैन क्या उन्होंने सोना देख लिया। हुसैन कहता है, ये नामुमकिन है सरदार। इसी दौरान तुर्गत अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। बहिंदर कहता है, हम तुर्कों की इज्जत को बहाल करने के लिए सामान लेकर मरम राजिक की तरफ जा रहे हैं, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका है तुर्गत साहब। तुर्गत कहता है, बहिंदर साहब हमें आपकी ज़रूरत है। बहिंदर कहता है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है तुर्गत साहब। इतने में उस्मान साहब वहाँ पर आते हैं। बहिंदर देखकर हैरान हो जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, हमें आप किले लेकर जाएंगे बहिंदर। बहिंदर का कहता है, मेरे पास जो भी है सब आप पर सीधा है उस्मान साहब, लेकिन आपका क्या मकसद है उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, मरमराजिक अब तुर्कों की मलकियत है, आप हमेशा से कहते हैं कि आप जंगी आदमी हैं, अब वक्त आ गया है, हमारा साथ दें। बहिंदर कहता है, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा उस्मान साहब।